अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मेरे किचन में चौलाई की सब्ज़ी। इसको लाल साग भी कहते हैं, रेड स्पिनच भी कहते हैं और महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पे इसको लाल माट के नाम से जाना जाता है। ये सब्ज़ी कुछ इस तरह से होती है। हमें इसको इसके पत्तों और डंठल को अलग कर लेना है, कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ। इस तरीके से हमें इसको साफ़ कर लेना है। ये सब्ज़ी आयुर्वेदिक मानी जाती है, खून बढ़ने से लेकर कोलेस्ट्रॉल कम करता है और कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम रखने में मदद करती है और हार्ट अटैक जैसा खतरा भी कम होता है, बल्कि आपके दिल की बीमारियों से भी बचे रहने के लिए ये सब्ज़ी बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें जिंक, विटामिन ए, सी, आयरन, प्रोटीन की मात्रा भरपूर होती है। तो चलिए बनाते हैं इस सब्ज़ी को। इसके लिए मैंने इसको साफ़ करके अच्छे से 2 से 3 पानी से इसको मैंने साफ़ कर लिया है, बारीक चॉप कर लिया है। एक कढ़ाई ले लेते हैं, इसमें हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से तेल डाल देंगे। तेल को गर्म होने देते हैं। जैसे ही तेल गर्म होता है हम इसमें 2-3 कलियां लहसुन की क्रश करके डाल देंगे। हल्का सा लहसुन फ्राई होने के बाद हम इसमें बारीक चॉप प्याज डाल देंगे। लहसुन को भून लेना है ताकि इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। प्याज को हमें सॉफ्ट होने तक पकाना है, साथ ही में ये लाल साग की सब्जी फाइबर का बहुत ही बड़ा सोर्स है। इसे जो पाचन क्रिया की समस्या होती है, तकलीफें होती है, वो दूर होती है। डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी है ये सब्ज़ी। अब मैंने इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डाल दिया है और फिर मैंने बारीक कटी हुई लाल साग की सब्ज़ी को डाल दी हूँ। सब्ज़ी को डाल के हमें मिक्स कर लेना है। इसमें एक्स्ट्रा पानी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसका जो पानी होता है वही निकल के आ जाता है। तो हमें पानी खुश्क होने तक इस सब्ज़ी को ऐसे ही चम्मच चलाते हुए पकाना है। साथ ही में मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ ताकि इससे टेस्ट में और बढ़िया स्वाद आ जाएगा। हमें इसे ऐसे ही हाई फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए पकाना है। बहुत ही आसान तरीका है ये सब्ज़ी बनाने का, लेकिन खाने में उतनी ही टेस्टी लगती है। जिन लोगों को खून की कमी है या उनका हीमोग्लोबिन कम है तो हफ्ते में 2 बार सब्ज़ी खाने से इनकी खून की कमी की परेशानी दूर हो जाएंगी। सब्ज़ी का अपने आप से ये पानी निकल रहा है, हमें ये पानी को खुश्क होने तक पकाना है। यहाँ पे मैंने फ्लेम को हाई रखा है, ज़्यादा देर तक इस सब्ज़ी को पकाना नहीं है, सिर्फ इसका पानी खुश्क हो जाएगा तब हम इसको गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। साथ ही मैंने सब्ज़ी का टेस्ट बढ़ाने के लिए मूंगफली को क्रश करके डाल दिया है। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। जितनी फ़ायदेमंद ये सब्ज़ी है खाने में उतनी ही टेस्टी है। आप इसको ज्वार की रोटी के साथ खा सकते हैं। दो मिनट तक हमें इसको ऐसे ही पका लेना है। अब हमारी सब्ज़ी खाने के लिए तैयार है। हम यहाँ पे इसको ज्वार की रोटी के साथ खाते हैं। अगर आपको ज्वार की रोटी रेसिपी चाहिए तो मैं इसकी लिंक यहाँ पे शेयर कर दूँगी। साथ ही में अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे उससे मोटिवेशन मिल जाएगा। साथ ही में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।